हो गया मम्मी। हाँ मैं करोड़पति बन चुकी हूँ। मम्मी करोड़पति बन गई है बोल रही है। कौन करोड़पति? हॉट सीट में बैठी है मम्मी। तो मेरे मम्मी पापा सोचे कि बेटा को क्यों अच्छे स्कूल में पढ़ाए, बेटी को भी अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहिए। किसी का लिटरली रो रही है ये देखो। अरे बाप, सब सोचेगा कि हम इसको रुला दिए हैं। ऋषि का ऐसा रो रही है। सुन सो हे गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम टू अनदर न्यू एंड फ्रेश व्लॉग ऑफ ऋषभ द व्लॉग। सो गाइस कैसे हो आप सब? आई गेस आप सभी बहुत ही ज्यादा मौज में हो गए, बिल्कुल मेरी तरह। क्योंकि गाइस हम एकदम ना मौज में रहते हैं, कोई टेंशन नहीं लेते हैं। इसका राज यही है कि इग्नोर, सबको इग्नोर कर दो, ठीक है? जो भी आपको परेशान कर, जस्ट इग्नोर देम। तो गाइस चलो व्लॉग आज का स्टार्ट करते हैं। और व्लॉग आज का हम लोग ऐसे स्टार्ट करने वाले हैं कि आज मम्मी को लेना है एक स्पेक्स, क्योंकि मम्मी को ना थोड़ा सामने वाला, ना मम्मी सामने वाला, हाँ। तो मम्मी को थोड़ा सामने वाला देखने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो मम्मी कुछ दिन से बोल ही रही है कि चलो चलो मेरे को ले चलो ले चलो, तो मेरे पास टाइम ही नहीं निकल रहा है, क्योंकि गाइस अभी एग्जाम आ रहा है, ठीक है? तो आज फाइनली हम टाइम निकाल दिए हैं और मम्मी को लेके चलते हैं स्पेक्स दिलवाने के लिए। और तो हम चाहते हैं मम्मी को एकदम मॉडर्न वाला स्पेक्स मिले, मतलब एकदम मस्त वाला, ठीक है? तो मम्मी एकदम सुंदर लगनी चाहिए। तो चलो मम्मी को स्पेक्स दिलवाते हैं और चलते हैं। और अभी हम लोग कितना बजे निकले पता है? एकदम 12 बज रहा है। चलो फटाफट से निकलते हैं क्योंकि धूप बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। और गाइस एक बढ़िया सा दुकान में हम जाने वाले हैं, क्योंकि जो स्पेक्स है मम्मी जो लेगी उसको पहले बढ़िया से मम्मी का पहले आँख का जो पावर वो टेस्ट करना पड़ेगा ना। तो ऐसा दुकान में जाएंगे जहाँ पे सब कुछ, मतलब ऐसा फैसिलिटी अवेलेबल हो। मीनवाइल जगह मतलब उसे नहीं लेके गए थे बुआ के लिए। अरे सो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं स्पेक्स लेने के लिए, मम्मी पसंद करेगी। बाप रे, मेरी मम्मी नहीं लग रही है, किसी और की मम्मी लग रही है। नहीं नहीं लग रहा है, सिंपल थोड़ा सा नॉर्मल, बड़ा भी लग रहा है ना साइड से वो। चलिए नहीं माँ। कैसा लग रहा है? पता नहीं कैसा। अरे जैसे लेडीज लोग पहनती है, अच्छी लेडीज लोग वैसे। अच्छी लेडीज जो पहनती है वैसे ही मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, सुनिए इसका भी सबका अपना अपना पसंद है, हम लाए हैं आप ही लोग के लिए। तो गाइस बहुत सारा ये है, क्या बोलते हैं, ऑप्शन है, कंफ्यूजन हो रहा है बहुत ज़्यादा। नहीं नहीं ये ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मतलब ये हो जा रहा है, होल्ड होल्ड। हाँ इनका पसंद इस तरह हमको समझ में आ रहा, तुम्हारा पसंद इस तरह है। बोले हेटे जावे गोटो नकली काज बटे, मम्मी बोरी ये वाला लिखा रहेगा नकली। ये भी बहुत मस्त है, ब्रांडेड है, एक नंबर क्वालिटी। ये ले लो, ये ले लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। ये ठीक दिख रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, बैठ नहीं रहा। अरे वो बैठ जाएगा, वो पूरा बैठ जाएगा, ये अच्छा लग रहा है फेस में आपका, ऐसा पैकिंग में भी चलेगा। तो गाइस पहले आई टेस्टिंग होने वाला है मम्मी का, ये देखो क्या लगा। देखो भाई ऐसा कुछ होता है, हो गया मम्मी। हाँ मैं करोड़पति बन चुकी हूँ। मम्मी करोड़पति बन गई है बोल रही है। हॉट सीट में बैठी है मम्मी। मम्मी को यही वाला चाहिए, देखो जो सब पहनता है नॉर्मल वाला। ये कितना अच्छा लग रहा है, ये सब देखो कितना अच्छा अच्छा मॉडल सब है, वो नहीं लेगी। सो गाइस आफ्टर लॉट्स ऑफ स्ट्रगल फाइनली मेरी मम्मी को स्पेक्स पसंद आ गया है। तो जो स्पेक्स है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा कुछ देर बाद, मतलब शायद आज शाम को हम ले लें, ठीक है? तो देखते हैं या फिर कल ले लेंगे। तो बढ़िया ला क्या मम्मी, ऐसे पसंद आएगी नहीं? हाँ, बहुत मुश्किल बात पसंद आया। तो चलो अब चलते डायरेक्ट घर, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। तो गाइस अभी हम लोग घर आ गए हैं और ना सुबह उठ के ही हम लोग पहले स्पेक्स खरीदने के लिए गए हैं। और क्या बोले, अभी कितना बजा है? एक बजे, और एक बजे तक हम लोग कुछ खाए भी नहीं है। खाए हैं बट कचौड़ी नहीं खाए। हाँ हाँ कचौड़ी खाए गाइस, कचौड़ी खाए। मोटू है, मोटू इसका दाम भी। अभी दिखा दे तुमको, क्या हम दिखा नहीं रहे, इसका मतलब कुछ भी मत बोलो, ठीक है? द नेक्स्ट डे
सो हे गाइस व्हाट्सअप। तो गाइस कैसे हो आप सब? तो आप सोच रहे हो कि हम दोबारा से ब्लॉग क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। तो गाइस ये है नेक्स्ट डे और ऋषिका देखो मेरे को तंग करके बाहर लेके आ गई है। तो अभी हो रहा है मतलब शाम के 5 बज रहे हैं, ठीक है। तो ऋषिका को मन था घूमने का और मेरा जो एग्जाम है वो भाड़ में जाए, ठीक है। क्या ऋषिका यही ना सोचती तुम? हम कुछ नहीं सोचे, आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होना इसलिए आई। तो गाइस अभी हम लोग बाहर निकल गए हैं घूमने के लिए, तो देखते हैं ऋषिका कुछ शॉपिंग भी करना है। तो अभी जा रहे हैं अभी हम लोग मॉल और देखते हैं कि हम लोग क्या लेते हैं। चलो ब्लॉग में बने रहना। सो गाइस इधर देख रहे हो कितना शांति है। हाँ मेरे को भी मन कर रहा है कि इधर भी एक घर हो जाए तो मज़ा ही आ जाए, आराम से टाइम स्पेंड करेंगे। देखो किसके साथ? अरे अपने साथ यार, देखो अभी ठोक देते भैया जी। चलो अभी गाड़ी का हालत ख़राब हो गया, देखो धोए हुए नहीं है ना एकदम, क्या बोले मेरे गाड़ी का मुंडी देखो इतना ज़्यादा गंदा है ना, क्या बताया। अभी खाली हम ना शीशा पोछे, देखो शीशा साफ़ किए हैं क्योंकि हम अपना जैसे फेस देख सके। आज तो हम लोग एकदम परफेक्ट टाइम में निकले हैं, नहीं तो दूसरा दिन हम लोग या तो पूरा धूप धूप में निकल जाते हैं या फिर एकदम रात रात हो जाता है वैसे, ठीक है। तो आज मतलब फुल लुत्फ़ उठाने वाले हैं टाइम का और वेदर भी बहुत बढ़िया है आज, उतना धूप भी नहीं उतना गर्मी भी नहीं है, सब सही है। और इधर देखो तालाब है यार एक। सो गाइस ये देखो शिबू सोरेन है ना, उनका आवास है इधर। तो सब बढ़िया बढ़िया आदमी का ही इधर घर हो रहे हैं और इधर जेवियर्स स्कूल भी है। सो गाइस ये देखो ये है संजीवियर्स, ठीक है। तो ये किसका स्टोरी आप लोग को बताते हैं, संजीवियर्स स्कूल जो आप लोग को दिखाया ना उसका एक स्टोरी बताते हैं। तो हम तो थे GGPS में सेंटर 5 में, तो मेरे पापा मम्मी क्या सोचे थे कि बेटा GGPS में है तो ऋषिका जो बेटी है उसको भी कोई बढ़िया स्कूल में देंगे। लेकिन ऋषिका को, ठीक है, ऋषिका को ये मंजूर नहीं था कि वो मतलब संजीवियर्स में पढ़े। तो रुको पहले गाड़ी लगा दो। तो क्या हुआ था ना, हम थे GGPS सेक्टर 5 में, ठीक है, मतलब हम वहीं पे पढ़ते थे। तो मेरे मम्मी पापा सोचे कि बेटा को क्यों अच्छे स्कूल में पढ़ाए, बेटी को भी अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहिए। तो मेरे पापा यही व्यू के साथ यही सोच के साथ ऋषिका को ना यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम दिलवाने के लिए लेके गए थे, ठीक है। तब ऋषिका थी छोटी, तो क्या की ना ऋषिका को एग्जाम देने के लिए भेजे गया तो एक साइड से अंदर घुसी दूसरा साइड से बाहर आ गई। सारे बच्चों के पास कलर्स था, पेंसिल था, मेरे को कुछ देके ही नहीं भेजे, अकेले भेज दिए। अब हमको दूसरे को देख के डरिए लग रहा था, हम रो दिए थे। फिर तो ऋषिका रो दी, उसके बाद उसको घर लेके आ गए और यहाँ पे इसका एडमिशन नहीं हुआ। और फिर ऋषिका कहाँ पढ़ती थी बता दो, वो भी बता ही दो। फिर कहाँ पढ़ते थे, कौन से स्कूल में पढ़ती थी? रोजीलैंड। अरे रोजीलैंड में नहीं पढ़ती थी पागल, वो संत मैरी संत मैरी में पढ़ती थी गाइस, ठीक है, संत मैरी विजन इंटरनेशनल स्कूल उसमें पढ़ती थी। उसके बाद चलो अभी हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो याद आ गया, तो आप लोग एक बार बता दिए। हाँ बेइज्जती क्यों करेंगे मेरे भैया, एकदम बेइज्जती करने का मौका नहीं छोड़ता ये लड़की है, मतलब इतना बेवकूफ थी ना बचपन में, क्या बताएं। गाइस मेरे को कलर दिए बिना भेज दिए थे, कितना अन्याय हुआ था। तो चलो गाइस अब चलते हैं मॉल डायरेक्ट और ऋषिका को शॉपिंग करना वो करते हैं। ये 5वां टेक ले रहा है। अरे सो गाइस अभी हम लोग गाड़ी लगा दी है और अभी हम लोग जा रहे हैं मॉल के अंदर। तो हम ऐसा मतलब ये चश्मा लगाते हैं ना मेरे बाल खराब हो जाता है, फिर दोबारा से मतलब बाल को ठीक करना पड़ता है। और पिछले बार क्या किया था हेमंत कि वो बोल रहा था कि हम तुम्हारे गाड़ी वाला टोकन खो दिए हैं, तो मेरे को वही वाला बात दोबारा से याद आया। फिर हम उसको पूछे जो मतलब गाड़ी का टोकन देता है, हम बोले अगर खो गया तो क्या होगा, खो जाएगा तो चलेगा ना? तो बोलते नहीं खोइएगा नहीं, गाड़ी का कागज़ दिखाना पड़ेगा, आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा। बोले वो सब तो नहीं है तो फिर वो घर से लाना पड़ेगा, समझे, मतलब इतना कुछ लफड़ा है। सो गाइस हम लोग को जाना था मैक्स, और मैक्स नीचे में ही है और ऋषिका उधर उधर खोज रही है। तो चलो देखते हैं कि ऋषिका को पसंद आता है कि नहीं आता है। मेरे को कुछ नहीं बोलो, तुमको जो मन है वो ले लो, समझी। हम परेशान हो चुके हैं गाइस, हम थोड़ा सा दिख गया थोड़ा सा तो अभी हम लोग मैक्स में है, ठीक है, तो वहीं पर ले रहे हैं। और जो तुमको लेना है ले लो, अभी तक 2-3 बार गई है ट्रायल रूम और बोले कि मेरे को देखना है, बोले और मत देखो बड़ा छोटा हो जाता है बाद में भी। तो सबके पास होगा ना, क्या ये ब्लैक वाला तो कॉमन हो गया होगा। अरे दिखा दो। सो गाइस मम्मी को बताया जा रहा है कि ये शॉपिंग कर रही है, ये देखो मम्मी एग्री करती है कि नहीं करती है, उसी से डिसाइड होगा कि हम लोग लेने वाले कि नहीं लेने वाले। हो गया डिसीजन? पूछ रहे। देखो गाइस लड़का का कलेक्शन बहुत धांसू है, ठीक है, थोड़ा महंगा तो है लेकिन बढ़िया है। ये देखो ये तो मेरे ही जैसा है भाई, ये मेरे टाइप का है।
तो आप लोग ये सब देख सकते हो, मस्त मस्त है भाई। इधर मेरा मतलब फेवरेट टाइप के शर्ट सब 900 का है कलेक्शन, लेकिन मस्त है। सो गई ऋषिका ना रोने लगी है, मम्मी को भी कॉल की थी, मम्मी ना मना कर दिए कि ये वाला ड्रेस मतलब ये वाला दोनों चीज नहीं लेना है, और ऋषिका लिटरली रो रही है। ये देखो hey! अरे बाप, सब सोचेगा कि हम इसको रुला दिए हैं, ऋषिका ऐसा रो रही है, सुन सुन। अरे बाप, फिर मम्मी मान गई है, अब हम लोग ले सकते हैं, जो मन ले लो मम्मी बोल दी। ऋषिका सच में गुस्सा गई है गाइस, रोने लग गई थी वहाँ पे। हम इसको लेके आए इधर, हम चलो जो लेना है ले लो। अरे ले लो, बच्चे जैसे करी मम्मी तो बोली अब ले लो, एक बार खाली बोलती मत लो, ठीक है। फिर गुस्सा आ गई, रोने लगी। Much later. सो गाइस, अभी हम लोग दोबारा से मॉल जा रहे हैं, क्योंकि ऋषिका गुस्सा आ गई थी और हम लोग बाहर चल गए थे, तो आराम से हम लोग मोमोज वोमोज खाए और हम लोग फिर से जा रहे हैं वहीं पे, और ऋषिका जो पसंद किए वही लेंगे। ऋषिका तब से मान ही रही है, फाइनली मान गई है। सो गाइस, फाइनली ऋषिका का शॉपिंग हो गया है, ऋषिका पूरी खुश है। क्या ऋषिका? तो मजा आ गया गाइस, बहुत अप्स एंड डाउन हुआ, लेकिन ऋषिका फाइनली मम्मी को मना ही ली और मम्मी इसको मना ली दोबारा से। तो गाइस, अभी मम्मी के लिए स्पेक्स लेने आ गए थे, ठीक है, बन गया आज तो ना। क्या बोल रहे थे, अब बोले जो कागज था ना, मतलब जो रिसिप्ट था, वो वाले लाने ही भूल गए और बिना रिसिप्ट का भी ले रहे। A few inches later. तो पता है कब सुकून महसूस होता है, जब आप सो रहे हो और आपके बगल में ना ऐसे चार्जिंग पोर्ट हो, ठीक है, मतलब ऐसा प्लग लगा सके हो जैसे आप, तो मज़ा ही आ जाता है कि एकदम बगल में चार्ज करो और दिन भर फोन चलाते रहो, फुल अनलिमिटेड नेट चलाते रहो, पूरा मोना। तो वही कर रहे अभी। तो अभी हम ना बाहर से दोबारा से घूम के आए और मम्मी को ना स्पेक्स पसंद आ गया है, तो एक बार मम्मी को बुलाते हैं। मम्मी जल्दी आओ यार, एक बार दिखाओ सबको पहन के, कैसा लग रहा है तुमको स्पेक्स? तो आ रही है गाइस, ठीक है, एक बार आप लोग दिखा रहे हैं। मेरा बाल इतना बड़ा हो गया ना, तो ऐसे मतलब लटकने लग जाता है, तो इस बार हम सोच रहे हैं ना कि बाल मतलब बड़ा करें, ठीक है, कुछ अलग स्टाइल करें, क्योंकि हर बार क्या करते कि इधर इधर कटवा लेते हैं, वो सब अच्छा नहीं, वो सब छपरी टाइप लगने लग गया है। तो हम चाहते हैं थोड़ा मैच्योर, थोड़ा क्लासी लुक करने के इस पर, तो देखते हैं हो पाता है कि नहीं हो पाता है, कि हम बीच में ही कटवा देते हैं। सो गाइस, मम्मी अब पहन के दिखाने वाली इस पर, तो पहनो, हाँ तो पहनो पहनो, वो दिखाओ सबको कैसा लग रहा है। मेरे हिसाब से तो अच्छा ही लगने वाला है। तो ये देखो गाइस, मम्मी के ऊपर कैसा लग रहा है स्पेक्स, तो वो साइड से दिखा दो, थोड़ा सा साइड से घूम के, तो ऐसा कुछ दिख रहा है। तो मम्मी खुश है ना? ऐसे बहुत बोलेगी, अच्छे से बोलो। हाँ ये देखो, ये वाला स्टाइल ना मम्मी से ही सीखे हैं। तो गाइस, अपना बहुत ज्यादा रात हो गया है, अभी 12:30 बज रहे हैं, तो अभी मेरे को नींद भी आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो अभी हम जाने वाले सोने के लिए। तो गाइस, ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगे हो तो ब्लॉग को जरूर लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं तो वो भी कर लो, और मिलते हैं ऐसे किसी एक मस्त वाले ब्लॉग में। और यहाँ पे मेरा नीचे इंस्टाग्राम हैंडल दिख रहा होगा, उसको फॉलो कर लेना, ऋषभ_day_. Till then, bye.